यहाँ पर अभी रुद्राक्ष वितरण हो रहा है, तो देखिए आप, हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं रुद्राक्ष वितरण। सो हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। अभी हम जा रहे हैं कुटेश्वर धाम सीहोर, जो कि अभी हम इस हाईवे से होते हुए जाएंगे। यहाँ पर ये आज का सीहोर रोड है, जो कि अभी हम यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर और बचा हुआ है कुटेश्वर धाम। तो चलो अब चलते हैं, पूरा दृश्य आपको दिखाने वाले हैं वहाँ पर, रुद्राक्ष वितरण हो रहा है या नहीं, पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो में पूरा बने रहेगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक। फाइनली अभी कुबेश्वर धाम पहुँच चुके हैं, यहाँ से हमें अंदर जाना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल हाईवे पर ही। सो गाइस, अभी देखते हैं कितनी भीड़ है आज यहाँ पर। देखिए अभी तो हमें नज़र नहीं आ रही है, वैसे थोड़े थोड़े नज़र आ रहे हैं। आज संडे है, संडे के दिन तो ज़्यादा भीड़ नज़र आ रही है। अभी जैसे जैसे आगे जा रहे हैं ना, बिल्कुल बहुत ज़्यादा भीड़ नज़र आ रही है। पता नहीं रुद्राक्ष हमें मिलेंगे या नहीं। सो गाइस, फाइनली अभी कुबेश्वर धाम पहुँच चुके हैं और देख सकते हैं आप कितनी भीड़ यहाँ पर नज़र आ रही है। ये देखिए मेन गेट है यहाँ से अंदर जाने का। आप यहाँ पर कितने सारी माला वगैरह दिख रही है, बहुत ही शानदार शॉप नज़र आ रही है। अगर आपको भी कुछ लेना वगैरह हो तो यहाँ पर आइए। गाइस अभी हम करने वाले मंदिर में एंट्री। यहाँ पर देखिए बहुत ही शानदार लोकेशन है, जो कि महाकाल लोक उज्जैन की तरह पूरी शानदार लोकेशन दिखाया है यहाँ पर। देखिए बहुत ही शानदार लोकेशन है। अभी तक आप कुबेश्वर धाम सीहोर नहीं आए हुए हैं तो प्लीज़ एक दिन का टाइम निकाल कर आप ज़रूर आएगा। यहाँ पर जो भी सच्चे मन से आते हैं उनकी सारी मनोकामना पूरी होती है। तो देख सकते हैं मेरे पीछे ये शिव जी की प्रतिमा बन रही है, अभी काम चल रहा है इसमें। और ये सामने विष्णु भगवान जी यहाँ पर लेटे हुए हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर ये बहुत से लोगों ने बातर की पिंडी वगैरह बनाई है, जिससे कि मानना है लोग की मनोकामना पूरी हो जाती है। ये देखिए मेरे सामने शिव जी की प्रतिमा है, अभी काम चल रहा है इसमें। देख सकते हैं आप भगवान विष्णु यहाँ पर लेटे हुए हैं। और इधर देखिए भगवान राम की नाव से जो कि एक केवट ले जा रहा है यहाँ पर, ऐसा वाला सीन बनाया हुआ है। और इधर सामने जो भगवान महाकाल अंदर विराजमान हैं। और ये देखिए यहाँ पर सब जल चढ़ा रहे हैं भगवान भोलेनाथ को। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम भी आपके लिए बहुत शानदार वीडियो लेकर आते रहें इसी प्रकार से कुबेश्वर धाम के पूरे डेली ब्लॉग। तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए भगवान शिव की जो है ये त्रिशूल वगैरह है, यहाँ पर सब लोग भगवान शिव की पिंडी पर यहाँ पर जल चढ़ा रहे हैं। और इधर देखिए भगवान भोलेनाथ का बहुत ही शानदार लोकेशन है। और इधर गौशाला है, जो कि मुरली मनोहर गौशाला के नाम से प्रसिद्ध है। और ये देखिए भगवान शिव की प्रतिमा बन रही है। अभी चलिए, हम आपको रुद्राक्ष वितरण हो रहा है या नहीं तो उसके बाद। यहाँ पर अभी रुद्राक्ष वितरण हो रहा है, तो देखिए आप, हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं रुद्राक्ष वितरण कैसे दिया जा रहा है। तो अभी हम चलते हैं मंदिर में अंदर, अंदर का व्यू आपको दिखाते हैं। देखिए अभी मंदिर में जा रहे हैं, बहुत भीड़ है यहाँ पर, प्रसादी वगैरह लेंगे। अभी हम आए थे रुद्राक्ष लेने के लिए, तो हमें कुछ कागज नहीं होने के कारण हमें रुद्राक्ष नहीं दिए। तो आप अगर रुद्राक्ष लेने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको एक आधार कार्ड और एक डॉक्टर की सरकारी अस्पताल है ना, जिसमें डॉक्टर की जो पर्ची बनती है वो आपको लेकर आना है।
तो उसी से आपको रुद्राक्ष दिए जाते हैं। तो आपकी ये आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी बिल्कुल कमेंट करके बताइए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।